इंटरकोस्टर नर्व इंटरकोस्टर नर्व आर देंट्रल प्राइमरी रेमाइॉरसिकॉरसिक ट्रंक और बीकें से एक बनाते हैं। इसके दो डिविजन होते हैं जो आगे वाला डिविजन होता है इसे हम लोग कहते हैं वेंट्रल और पीछे वाले को डोरसल तो वेंट्रल प्राइमरी रेमाई है इसका ये जो बनाता है ये हमारी इंटरकोस्टल नर्व को बनाएगा नाउ इंटरकोस्टल नर्व जो है इसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा थॉरेसिक नर्व के बारे में देखते हैं तो थॉरेसिक नर्व जो है वो टी वन टू टी इलेवन को हम लोग थॉरेसिक नर्व कहते हैं सो हियर वी हैव मैन इसमें ये हमारा थॉरेक्स वाला रीजन होता है यहां से यहाँ तक का एबडोम रीजन है और इधर अपर्ले में तो टी वन और टू जो होता है T1 और T2 थोरैक्स को भी सप्लाई करते हैं साथ में अपर लिंब को भी सप्लाई करते हैं और T3 से लेकर T6 जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ थोरैक्स वाले रीजन को सप्लाई करेगी T7 से T11 जितनी होगी वो थोरैक्स को तो करेगी साथ में ये एब्डोमेन वाले रीजन को भी सप्लाई करती है वेयर इज अगर T12 की बात करें तो इसे हम सबकॉस्टल नर्व कहते हैं क्योंकि ये थोरैक्स को सप्लाई नहीं करती है इंसटेड ये करती है एब्डोमेन को और थोड़ा सा बटक की स्किन को या पेल्विक रीजन को कह सकते है। so, है, है। so, तो, है, है। Now, हैं सो टी थ्री से टिपिकल सिक्स कहते हैं सो इसका जो कोर्स होता है ये स्टार्ट होती है कोस्टल ग्रूव से ये थोड़े से वटिवरा से निकलती है इसका वेंट्रल रेमाइ और ये स्टार्ट होती है कोस्टल ग्रूव में रन करती है कोस्टल ग्रुप में रन करने के बाद में ये स्टर्नम पर आके एंड हो जाती है सो दिस इट्स कोर्स दिसंस इंटरकोस्टल नर्व जो है वो नेक ऑफ रिब से पास होती है एंड वी हैव द कोस्टल ग्रुप दिस इज शोन द कोस्टल ग्रूफ ये यहाँ पर इस प्रकार से निकलती है इन द कोस्टल ग्रुप नर्व लाइव दोस्टी इंटरकोस्टल वेस ये वी ए एन के फॉर्म में होती है वी ए एन मीन्स वेन आर्टरी एंड द नर्व वेन कौन सी है इंटरकोस्टल वेसल्स के नीचे ये लाइक करेगी तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टर वेन पोस्टीरियर इंटरकोस्टर आर्टरी और इनके नीचे होती है इंटरकोस्टल नर्व उसके बाद में रिलेशन में इसमें और क्या देखते हैं कि ये प्लूरा की लाई करती है और एंडोथोरेसिक फेशिया और इंटरनल इंटरकोस्टल मेमरन के बीच में ये लाइक करती है सो so, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है यहाँ पर ये हम लोग देख सकते हैं ये कोस्टल प्लूरा है ये इसके बीच में लाई करती है नेक्स्ट पॉइंट इज इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ स्पेस द नर्व लाई बिटवीन द इंटरकोस्टालिस इंटीमाई एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये वाली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इंटरकोस्टल इंटीमाई के बीच में लाई करती है नियर द स्टर्नम द नव क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ द इंटरनल थोरेसिक वेसल एंड स्टर्नोकोस्टलिस मसल अब ये जो स्टर्नम है स्टर्नम के आगे ये यहाँ पर इस जगह पर ये ये ट्रैवल करती है और इंटरनल थॉरेसिक वेसल्स और कोस्टलिस मसल्स को के आगे से निकल जाती है यहाँ पर ये ये जो हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल नर्व है ये इसको पियर्स करेगी इंटरनल थॉरेसिक मसल को इंटरनल इंटरकोस्टल इंटर्न मसल को पियर्स करती है साथ में एक्सटर्नल का भी थोड़ा सा पार्ट आता है इसे भी पियर्स करती है और यहाँ पर ये दो डिवीजन देती है एक लेटरल ब्रांच हो जाती है एक मीडियल ब्रांच हो जाती है इसकी और यहाँ पर ये एक्स्टर्नोकोस्टल इस मसल देख रहे हैं हम इसके इसके फ्रंट से निकलती है और साथ में इंटरनल इंटरकोस्टल वेसल्स के भी फ्रंट में से ये वाली नर्व निकल जाती है नाउ इट्स ब्रांचेस इसकी तीन ब्रांचेस होती है मस्कुलर ब्रांचेस सेंसरी ब्रांचेस और कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस मस्कुलर ब्रांचेस जो है इस डायग्राम में हम देख सकते हैं मस्कुलर ब्रांचेस मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई करती हैं इंटरकोस्टल मसल्स को ट्रांसफर्स थोरेसिक को और सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल्स को सो so बेसिकली हमको तीन मसल्स याद रखनी है इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ट्रांसफर्स थोरेसिक और सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर इन तीनों मसल्स को ये सप्लाई करती हैं इसके अलावा एक को लेटर ब्रांच देती हैं जो कि एंगल ऑफ रिप से निकलता है और ये uh, उसी स्पेस को सप्लाई करता है इंटरकोस्टल स्पेस को तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये तीन को लेटर ब्रांचेस हैं एंगल ऑफ रेब से पास होती है नेक्स्ट इज इट्स सेंसरी ब्रांचेस तो इसकी जो सेंसरी ब्रांचेस होती है इसमें मेन ब्रांच होती है कोलेट्रल ब्रांच होती है जो अभी हमने देख ली है एक तो मेन ब्रांच देखी थी और साथ में कोलेट्रल ब्रांचेस भी होती है जो इस डायग्राम में दिखाई हुई है तो ये तो एक सेंसरी ब्रांच हो गई ये किससे सप्लाई करती है पेराइटल प्लूरा को और पेरियोस्टियम को सप्लाई करती है नेक्स्ट इज लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ये जो है ये यहाँ से हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को इन दोनों को पियर्स करती है और दो ब्रांचेस देती है एक पोस्टीरियर डिविजन हो जाता है एक एंटीरियर डिविजन हो जाता है तो ये वाली जो नर्व है मेन मेन वाली जो ब्रांच थी इसकी ये इंटरनल इंटरकोस्टर मसल्स को तो सप्लाई करती है साथ में मिड एक्सिलरी लाइन पर भी ये सप्लाई करती है और बाकी इंटीरियर और पोस्टीरियर जो डिवीजन है वो इस एरिया की स्किन को सप्लाई करेगा थर्ड पॉइंट इज एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो यहाँ पर स्टर्नम के सामने से निकलती है और इस यहाँ पर लेटरल और मीडियल ब्रांचेस देती है ये इस एरिया की स्किन को सप्लाई करेगा नाउ कम्युनिकेटिंग ब्रांच कम्युनिकेटिंग ब्रांच में यहाँ पर इसका एक होता है यह यहाँ पर एक शो हुआ है इस गैंगलिया में जो अप्रोक्सिमली प्रेजेंट है वो ग्रे रेमस है और जो डिस्टली प्रेजेंट है वो व्हाइट रेमस है ये दोनों ये जो दोनों मिलके बना रहे हैं ये हो रहा है सिंपैथेटिक गेंगलिया इसमें से जो नर्व्स निकलती है ये कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस होती है इसकी लास्ट पॉइंट इज लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व इसे हम इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व भी कहते हैं जो सेकेंड वाली नर्व होती है टी हमने देखा था टी वन से लेके टी इलेवन तक की थोरेसिक नर्व की जो वेंट्रल रेमाई होती है उससे हम लोग इंटरकोस्टल नर्व बनाते हैं तो जो इसमें से टी सेकेंड वाला है इससे जो इंटरकोस्टल नर्व निकलती है उसकी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच उस उस वो कहाँ पर सप्लाई करती है उसको हम लोग इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व भी कहते हैं क्योंकि वो एक्जीला की फ्लोर को सप्लाई करती है और अपर पार्ट ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म को सप्लाई करती है इसलिए हम इसे इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व भी कहते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरकोस्टल नर्व